हेलो दोस्तों, नमस्कार। तमिल में एक मूवी आ रही है जिसका नाम है बोट, और ये एक रियल घटना पे आधारित मूवी है। ये तब की मूवी है ना जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो उस मूवी का टीजर आया है, तो पहले हम टीजर देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसमें कलाकार कौन है? योगी बाबू। इंडिया में ब्रिटिश आर्ची से समय जापान मद्रास महानगर முன்பின் அறியாத அந்த 10 பேர் ஒரு படகில் ஏறி வங்காள விரிகுடாவில் ஒதுங்கி நின்றனர். தனியா பிரியலன்னா எலி மருந்து குச்சிடுவோம் போல. அப்போது பாரம் தாங்காமல் படகு விரிசல் விடுகிறது. மற்றும் பசியோடு ஒரு சுறாவின் படகை சுற்றுகிறது. உயிர் பிழைக்கும் மாசில் எல்லோருக்குள்ளும் மிருகம் தலை தூக்க सेकेंड का था। और इसमें दिखाया जाता है, शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि वो सेना चल रही होती और 1943 में जब जापान ने मद्रास के ऊपर बमबारी की थी, तो वहां पे एक जब बमबारी हुई थी ना, तो वहां पे एक नाव थी बोट में, जिसमें योगी बाबू जिस बोट को चलाते हुए दिखाए गए, और वो 10 आदमियों को बैठा के लिए जा रहे थे। अनजान थे, 10 लोग अनजान थे, क्योंकि उसमें अंग्रेज भी बैठे थे और एक वो पंडित जी थे, वो गाना बज रहा था, फिर वो गाना बंद हो जाता है और फिर उनका कथक वाला गाना बजने लगता है। तो इसमें दिखाया जाता है कि वो पूरी जो कहानी है ना, वो सिर्फ नाव में, और जो 10 लोग होते ना उसमें से जो अंग्रेज होते हैं, क्योंकि उस टाइम भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उनके मतलब रात में वो योगी बाबू को लड़का देते हैं, क्योंकि योगी बाबू को जैसा कहते हैं वो लड़का देते हैं। उसमें दिखाया गया योगी बाबू नाव के खेवानार बने हैं, मतलब खेवैया बने, वो नाव चलाते हैं, और समुद्र में नाव दिखाई जाती है, नीचे से रोशनी आती है तो नीचे से नाव दिखाई जाती है, और फिर वहाँ पे बहुत बड़ी व्हेल मछली आ जाती है, और कुछ लोग बैठे होते हैं ना तो खुन्नस में वो बम बनाते हुए दिखाए जाते हैं, और उसमें एक लड़की भी होती है जो योगी बाबू को देख के मुस्कुरा रही होती है, उनका नाम है गौरी जी किशन। वो योगी बाबू को देख देख के मुस्कुरा रही होती है। तो 1 मिनट 22 सेकेंड के जो टीजर में ज़्यादा नहीं कुछ समझ में आया, पर हाँ, ये एक रियल घटना पर आधारित है और ये एक तमिल मूवी है जो तमिल भाषा में ही रिलीज होगी। इसके बाद में हिंदी में और भाषाओं में आएगी, OTT पे आएगी या नेटफ्लिक्स पे आएगी, तो बात की बात है। पर ये 31 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी बोट मूवी। इसमें जो बोट मूवी का जो टीजर था ना, टीजर में सिर्फ और सिर्फ बोट दिखाई गई, बोट दिखाई गई, बोट में बैठे अलग अलग धर्म के लोग दिखाए गए और अलग अलग बातें करते हुए दिखाए गए। बाद में तो इसमें दिखाया गया कि योगी बाबू को उसने गोली मार दी अंग्रेज ने, और फिर वो कुछ कहता है। तो ये तो ट्रेलर और मूवी में देखने के बाद पता चलेगा कि बोट मूवी की रियल कहानी क्या है। ये रियल कहानी ये है कि 1943 में ऐसा हुआ था, फिर कुछ लोगों को ले जाकर योगी बाबू जो मतलब एक नाविक थे, वो ले जाकर उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे लिए जा रहे थे, पर बीच में व्हेल मछली आ जाती है, क्योंकि उसकी पूंछ दिखाई देती है खूब बड़ी पानी में चलते हुए। तो वो व्हेल मछली की पूंछ थी या अंग्रेज की कोई चाल थी, ये तो आपको मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। आपको इस टीजर में क्या समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। इसके निर्देशक है चिंबू देवन, आता है प्रभा प्रेम कुमार। इसमें जो कलाकार दिखाई देंगे आपको, योगी बाबू, गौरी जी किशन, MS भास्कर, चिन्नी जयंती, बहुत सारे इसमें आपको कलाकार देखने को मिलेंगे। तो ऐसी चटपटी, मजेदार,
धमाकेदार टीजर और ट्रेलर की वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। रिएक्शन वाले इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए कि ये टीजर आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ब्लैक एंड व्हाइट में शुरुआत से ही दिखाया जाता है, आर्मी सेना होती वो भी चलते हुए दिखाएगी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये जो तमिल में मूवी आने वाली है ना बोर्ड, इसका टीजर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।